आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे सुंदरकांड और साथ में हम उसका अर्थ भी आपको बताएंगे। एक वीडियो में पूरा कंप्लीट करना तो थोड़ा सा आपके लिए बोरिंग हो जाएगा, इसलिए हम पार्ट वाइज से बनाएंगे। तो इस सुंदरकांड के पहले भाग में हम आपको हनुमान जी का लंका को प्रस्थान, सुरसा से भेंट और छाया पकड़ने वाले राक्षसी के वध के बारे में बताएंगे। तो लिखा हुआ है चौपाई रामचरितमानस में कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। इसका अर्थ है कि जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत भय, उन्हें बहुत अच्छा लगा जब जामवान जी ने कहा, बोलते हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब लगी आवे सी तही देखी, हुई काज मोहि हर्ष विशेषी, यह कई नाये सभी कहूं माथा, चलो हर से ही अधरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देख कर न लौटूं काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। और यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। अगला जो चौपाई है वो है सिंधु तीर एक भुदर सुंदर, कौतिक कुदि चढ़ुता ऊपर, बार बार रघुबीर संभारी, तर्क पवन तन्मय बल भारी। इसका अर्थ है समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था, हनुमान जी खेल से मतलब अनायासी कूदकर उस पर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। अगला चौपाई है जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता, चलो सोगा पातल तुरंता, जिमि अमोग रघुपति कर बाना, एहि भांत चले ओ हनुमाना। अर्थ है इसका कि जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से उछले थे, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे ही रघुनाथ जी का अमोघ वाण चलता है उसी तरह हनुमान जी भी चलते, हनुमान जी की जो स्पीड थी वो तो विलक्षण थी, तो उसी स्पीड में हनुमान जी निकले। अगला जो चौपाई है वो है जल निधि रघुपति दुत विचारी, तय मै नाक हो ही श्रम हारी। भावार्थ है समुद्र ने उन्हें रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वालों अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। अगला जो दोहा है वो है हनुमान ते ही परसा कर, पुनिकिन प्रणाम का राम काज किन्हे बिनु, मोही कहां विश्राम। इसका अर्थ है हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहे कि भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। अगला चौपाई है जात पवन सुत देव न देखा, जाने कहूं बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन कह माता, पटहनी आई कहीं तहीं बाता। इसका भावार्थ है कि देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा, उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए, मतलब परीक्षा लेने की बात है यहां पे, जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्प की माता को भेजा और वो आकर हनुमान जी से कहती है, आज सुन मोहिदिन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज करी फिर मैं आवा, सीता कहीं सुधि प्रभु सुनावो। भावार्थ है कि आज देवताओं ने मुझे पूजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा कि श्री राम जी का कार्य करके मैं लौटाऊं और सीता जी की सूचना प्रभु को सुना दूं, तब तब बदन पैटहूं आई, सत्य कहूं मोहि जान दे माई, कब नहीं जतन दही नहीं जाना, ग्रस सी न मोही
क्यों हनुमाना? भावार्थ उसका ये है कि तब मैं तुम्हें आकर तुम्हारे मुंह में कुछ चाहूं तो मुझे खा लेना। और माता के संबोधन करते कि हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया तब हनुमान जी ने कहा तो फिर मुझे खा डले। बोलते हैं, जो जन भरित ही बनु पसारा, कपितनु किनह दुगन बिस्तारा, सोरह जूजन मुख तहीं ठेयू, तुरंत पवन सुत बत्तीस भयू। भावार्थ है कि उसने योजन भर चार को उसमें मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया तो हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन के हो गए। अब हाल ये था कि जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दुन कपि रूप दिखावा, सत जो जन तही आनन किन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लिन्हा। मतलब उसका भावार्थ है, जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी हनुमान जी उसका दुना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन मतलब 400 कोस का मुख किया तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। और उसके बाद बदन पैठी पुनः बाहर आवा, मागा विदा ताही सिरुनावा, मोही सुरण जही लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर में पावा। भावार्थ है, और उसके मुख में घुसकर फिर तुरंत बाहर निकल गए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा कि मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया है जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। और अगला जो दोहा है वह है, राम काज सब करो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर से चलो हनुमान। वाह, भावार्थ है, तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे। सुसा कहती हैं, तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। और ये आशीर्वाद देकर वहां से चली गई। और तब हनुमान जी भी हर्षित होकर चले। उसके बाद का जो चौपाई है वो है, निशिचरी एक सिंधु मही रही, करी माया नभु के खग गई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन्हें कह परिछाई। इसका भावार्थ है कि समुद्र में एक राक्षसी रहती थी, वो माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वो जल में उनकी परछाई देखकर गहीं छा तक सो न उड़ाई, इही विधि सदा गगन चर खाई। सोई चर हनुमान कहती ना, तासु कपटु कपि तुरंत चिन्हा। अब वो जो राक्षसी थी उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे कि उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वो सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया और हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताही मारी मारुत सुत बीरा, भारी दीपार गयु मति धीरा, जहां जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरिक मधुलोभा, पवन पुत्र धीर बुद्धि, वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु मतलब पुष्प का जो रस होता है, पुष्प रस, मधु के लोभ में से भौरे गुंजार कर रहे थे। बहुत सुंदर था, लंका को बहुत सुंदर बनाया था रावण ने। तो यहां तक जो था वो मैंने आपको बताया हनुमान जी का लंका तक चेष्ट पहुंचने का। अगला जो वीडियो है उसमें हम आपको बताएंगे लंका का वर्णन, लंकिनी वध और लंका में प्रवेश। देखिए सुंदरकांड का जो पार्ट है, सुंदरकांड का जो पार्ट है, ये आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं उन सारी मनोकामनाओं को पूरी करता है। इसका एक वीडियो मैंने अलग से बनाया है कि इसके क्या लाभ हैं। जब सुंदरकांड का पाठ करते हो या सुनते हो, जब उसका अर्थ भी आप समझते हो, तो हनुमान जी सदैव जहां भी सुंदरकांड का पाठ चलता है हनुमान जी वहां विराजमान होते हैं। और जहां हनुमान जी विराजमान होते हैं वहां राम जी विराजमान होते हैं।
तो मैं आपको धीरे धीरे करके मैं सारे जो वीडियोज हैं वो सुंदरकांड के आपको बताते चला जाऊंगा अर्थ सहित, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं, आप उसके अर्थ को भी समझें। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।